कुछ ही दिन पहले बीसीसीआई ने डिसाइड किया था कि वो अपने चीफ सेलेक्टर के पद को भरेगी। इसके लिए उसने आवेदन भी निकाले थे और नॉर्थ जोन से इस पद के लिए चुनाव होने वाला था और इस रेस में सबसे आगे दिख रहे थे वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग ने लेकिन इस पद के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैं इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इस पद की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। उनका ये कारण तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे का जो मेन कारण ये लग रहा है वो है इस काम की मेहनत। इस काम में जो मेहनत लगती है वो बहुत ज़्यादा लगती है। इस काम में आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, पूरे देश दुनिया भर में घूमना पड़ता है, टीम इंडिया और दूसरे लीग्स में परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है, कभी रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस आपको देखनी पड़ती है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है। इतनी मेहनत करते हैं आप, तब आपको उसके रिटर्न में क्या मिलता है? सिर्फ सालाना 1 करोड़ रुपए। तो वीरेंद्र सहवाग या कोई भी बड़ा प्लेयर इतने कम पैसों में कैसे अपना रोज़मर्रा चलाएंगे या कैसे इस काम के लिए मानेंगे जब उनको दूसरे कामों से, जैसे कि कमेंट्री हो गई, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गई या दूसरा कोई लीग खेलने से ज़्यादा कमाई हो जाती है, तो ज़रूर उसकी ओर जाएंगे, ना कि इसकी ओर। तो इसीलिए अब देखना पड़ेगा बीसीसीआई कौन सा रुख अपनाती है। क्या बीसीसीआई अपनी तिजोरी के पैसे को बचाकर कोई कम नामी प्लेयर चुनती है सेलेक्टर के तौर पे, या वो थोड़ी सी अपनी जेब खाली करती है और एक बड़ा नाम या वीरेंद्र सहवाग जैसा कोई बड़ा नाम अपने चीफ सेलेक्टर के पद पे तय करती है? कमेंट्स में बताइए दोस्तों कि इन दोनों में से कौन सा तरीका बीसीसीआई आपके हिसाब से अपना सकती है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दिखते रहे तूफान स्पोर्ट्स, खेलो तूफान से।